लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने में कुछ घंटों का समय बचा है, लेकिन 1 जून को अंतिम चरण के मतदान खत्म होने के बाद से एग्जिट पोल्स को लेकर चर्चाएं बनी हुई है। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, वहीं कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि एग्जिट पोल्स जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। इन राजनीतिक बयानबाजियों के बीच पूरी दुनिया की नजरें भी भारत के लोकसभा चुनावों के परिणाम पर लगी हुई है। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों ने एग्जिट पोल्स की खबरों और उसके विश्लेषण को अपने प्लेटफॉर्म्स पर जगह दी है। अमेरिकी मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग ने एग्जिट पोल से जुड़ी खबर को प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, मोदी चुनावों में भारी जीत के लिए तैयार। खबर में लिखा गया है, कई एग्जिट पोल्स दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी लगातार तीसरी बार भारत के चुनाव को निर्णायक बहुमत हासिल करने के लिए तैयार है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की सत्ता के शीर्ष पर वो एक दशक से भी लंबे कार्यकाल का विस्तार करेंगे। पोल्स दिखाते हैं कि उनकी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA काफी हद तक बहुमत के लिए 272 सीटों से अधिक का आंकड़ा पार लेगी। आधिकारिक चुनावी परिणाम 4 जून को जारी होंगे। ब्लूमबर्ग की खबर में आगे लिखा है, एग्जिट पोल्स के आधार पर मोदी ने बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत का दावा किया है और कहा है कि खासकर गरीबों समेत मतदाताओं को सत्तारूढ़ पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड ने प्रभावित किया है। इसमें बताया गया है कि परिणाम भारत के वित्तीय बाजार को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जो कि बीते सप्ताह में अधिक उतार चढ़ाव भरा रहा है। ब्लूमबर्ग से जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेशक रणनीतिकार वीके विजय कुमार ने अनुमान लगाया है कि सोमवार को बाजार में उछाल आएगा और ये उछाल आया भी। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल्स उन चुनावी आशंकाओं को खारिज कर देगा जो मई से बढ़ रही थी। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।